पिछले समय या लाइव हो चुके हैं आदरणीय डीएम साहब। आरंभ करते हैं। खुद अपने आप को यह शादाब करता है, खुद अपने आप को यह शादाब करता है, आज ये फकीर आपको आदाब करता है। आज 23 मई सन 2020 दिन शनिवार, जिला गौतम बुद्ध नगर, तहसील दादरी, विकासखंड बिशरक, शहर नोएडा की पावन भूमि से मैं डॉक्टर तुल चौधरी, मेरे सह मनसंचालक श्री दीपक श्रीवास्तव जी एवं 10 न्यूज के समस्त पाठक, श्रोतागण एवं दर्शक, हमारे आज के मुख्य अतिथि आजमगढ़ के माननीय जिलाधिकारी महोदय श्री एन पी सिंह जी का खैर मकदम, क्रांतिकारी इस्तकबाल और सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने आज अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस सभा को कृतार्थ अलंकृत किया है। हृदय की संपूर्ण गहराइयों से आपको कोटि कोटि नमन एवं धन्यवाद देता हूं आदरणीय एन पी सिंह साहब। सिंह साहब, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गौतम बुद्ध नगर आपकी भूतपूर्व कर्मभूमि रही है और यहाँ के समस्त निवासीगण आपको बहुत मिस करते हैं और बेबाकी से आपके जिस प्रकार से आप प्रश्नों का उत्तर देते हैं, आज समस्त लोग आपसे उसी बेबाकी से उत्तर देने की अपेक्षा रख रहे हैं। अपनी वार्ता श्रृंखला को माननीय महोदय मैंने दो भागों में विभाजित किया है। भाग एक, जिसमें कि आज हम वैश्विक महामारी के कारण, स्रोत एवं इससे उत्पन्न हुई समस्याओं पर बात करेंगे, और भाग दो में, क्योंकि इसका कोई अभी तक निजात नहीं मिल पाया है माननीय महोदय, तो हम किस प्रकार से पोस्ट कोविड-19 एरा में इसके साथ जीने की पद्धति अपने जीवन में परिवर्तन करके आपके माध्यम से शासन और प्रशासन के दिशा निर्देशों पर चलेंगे, इस पर हम बात करेंगे। माननीय महोदय, अपनी वार्ता श्रृंखला मैं आरंभ करता हूं। और वैश्विक महामारी में जिस प्रकार से समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, कहीं कमियां रह गई हैं, उस पर भी मैं बात करूंगा आदरणीय माननीय महोदय। माननीय महोदय, अपनी वार्ता श्रृंखला को मैं आरंभ करता हूं और चार पंक्तियां उससे पहले आप पर समर्पित करना चाहूंगा माननीय महोदय, और अपेक्षा करूंगा कि आप तक पहुंचे तो आशीर्वाद दीजिएगा और मैं सुना के बताता हूं, आप सुन के बताइएगा। जब भी वह मिलता है अंदाज जुदा होता है। माननीय महोदय आपके लिए, जब भी वह मिलता है अंदाज जुदा होता है, चांद 100 बार भी निकले फिर भी वह नया होता है, फिर भी वह नया होता है। माननीय महोदय, प्रश्न संख्या एक, माननीय महोदय, मातृवतन हिंदुस्तान 32,87,393 स्क्वायर किलोमीटर, रिपीट, 32,87,393 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ, भौगोलिक दृष्टिकोण से 7वें स्थान पर और विश्व पर हर छठा व्यक्ति पृथ्वी पर भारतीय है। 15 अगस्त को, इसी 15 अगस्त को हम लोग 73वां अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। इतने सब होने के बावजूद विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, इतनी प्रणाली, उसके बाद भी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पास डेटा नहीं है। मैं उस डेटा की बात कर रहा हूं माननीय महोदय, कि जब ये वैश्विक महामारी जनवरी फरवरी में पहुंची और उत्तर प्रदेश में 4 मार्च को उसकी पहला केस आया, हमारे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पास डेटा नहीं था। फर्ज करें कि 5,000 या 10,000 हवाई यात्री जो विदेशों से आए, अगर हमारे पास उनका डेटा होता कि वे कहां से आए, उनके पासपोर्ट डिटेल्स, तो हम उनको ट्रैक करके, ट्रेस करके एक जगह हम क्वारंटाइन कर सकते थे। यद्यपि सरकार ने अपील करी, आप हमें बताइए कि वे वापस आए, तो सर ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि हम उन 135 करोड़ की जनसंख्या की स्वास्थ्य को रिस्क पे लिया। तो यही प्रश्न है माननीय महोदय, ओवर टू यू एनपी सिंह साहब। देखिए, सभी मैं दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। हमारी कर्मभूमि रही है, इसलिए मैं उसको स्वयं को वहां का अतिथि नहीं मानता, मैं नागरिक ही मानता हूँ। लोगों के साथ मनोवैज्ञानिक और रागात्मक लगाव है गौतम बुद्ध नगर से। जो आपने प्रश्न किया है, वो प्रश्न वैसे तो ये भारत सरकार के किसी प्रतिनिधि द्वारा ही इसका जवाब हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में और एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मैं जो इस प्रश्न का उत्तर समझ पा रहा हूं, वो मैं आपसे ये जरूर आप सभी से शेयर करूंगा कि जब भी कोई आपदा होती है उसके 4 घटक होते हैं। पहला होता है प्रिपेयरनेस, दूसरा रिस्पांस, तीसरा होता है मिटिगेशन और चौथा होता है प्रिवेंशन।
दीज आर फोर सेगमेंट्स ऑफ एनी डिजास्टर मैनेजमेंट। जितने भी डिजास्टर हैं, फ्लड है, ड्राउट है, अर्थक्वेक है, या मैनमेड डिजास्टर्स जो अब तक नॉन डिजास्टर्स रहे हैं, उसके विषय में ये हमारा एक फंडामेंटल पैराडाइम फिक्स है जिसके आधार पर गवर्नमेंट तैयारियां करती है। लेकिन ये COVID-19 एक ऐसे मुकाम पर खड़ा हुआ, ऐसी आपदा है जिसके विषय में पूर्वानुमान नहीं था, न पूर्व में इस तरह की कोई वैश्विक महामारी घटित हुई जो पूरे ग्लोब को ही, पूरे प्लेनेट को ही अपनी चपेट में ले ले, पूरे ह्यूमैनिटी को ही चपेट में ले ले, और उसके विषय में जिस तरह की प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए थी, जिस स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जिस तरह का डेटाबेस कलेक्शन होना चाहिए, उसके विषय में पूर्वानुमान या पूर्व तैयारी या पूर्व आकलन, पूर्व मूल्यांकन किसी भी सरकार के पास नहीं था। भारत सरकार ही नहीं, बल्कि मैं देख रहा हूं कि किसी भी सरकारों के पास नहीं था। उसका कारण ये है कि ये इसीलिए आजकल लोग कहते हैं कि अदृश्य शत्रु है और एक अचानक आया शत्रु है। ऐसा शत्रु है जो दिखाई भी नहीं पड़ता, जो लक्षण प्रतीत होने वाले लोगों में भी दिखता है और लक्षण न दिखने वाले लोगों में भी टेस्ट में पॉजिटिव आ जाता है। और इसके विषय में अभी भी वैज्ञानिक लगे हुए हैं, आपने सभी लोग सुधी जन हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, अध्ययन कर रहे होंगे। अमेरिका जैसे देश, यूरोप जैसे देश जो अपने को बहुत ही विकसित कहते थे, वो भी जूझ रहे हैं। इसलिए ये अचानक आई हुई ऐसी वैश्विक महामारी है, ऐसा वायरस है जिसके बारे में लोगों ने इसके विषय में पूर्वानुमान नहीं किया, इसलिए बहुत सारी दुश्वारियां आई। लेकिन लॉकडाउन सरकार ने इसीलिए किया, जो पहला लॉकडाउन, जो कंप्लीट लॉकडाउन था, कि उस दौरान हम धीरे धीरे अपनी तैयारियां पूरी कर लेंगे और अन्य देशों के अनुभवों के आधार पर अपने यहां हमें फिक्स प्रोटोकॉल तैयार कर लें, WHO के सहयोग से, अन्य देशों के सहयोग से। आज की तारीख में अब धीरे धीरे आप देखेंगे तो प्रदेश की सरकारों ने भी, भारत सरकार ने भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, काफी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, डेटा कलेक्शन के इंफ्रास्ट्रक्चर को और उससे उपजने वाली अन्य समस्याओं के आइडेंटिफिकेशन को, चिन्हीकरण को, और उन समस्याओं को कैसे हम शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैसे सोल्यूशन की ओर ले जाएंगे इन चैलेंजेस को, इसके विषय में तैयारियां शुरू भी कर दी, काफी तैयारियां कर भी ली हैं। ये ऐसा एक मानता हूं मैं कि मेरा जो मानना है कि एक अदृश्य शत्रु के रूप में आया जिसका कोई पूर्वानुमान नहीं था, इसलिए थोड़ी दिक्कतें आई हैं जनता को भी, सरकार को। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मिल करके हम ग्रेजुअली इससे जो भी शिक्षा मिल रही है, जो अनुभव मिल रहे हैं, अन्य देशों से शेयर कर रहे हैं, और हम धीरे धीरे अपनी तैयारियों के ऐसे मुकाम पर पहुंचे हैं, शायद यही कारण है कि हमारे देश में मृत्यु दर दूसरे देशों की तुलना में कम है, जबकि मानव घनत्व इतना अधिक है। अभी अतुल कह रहे थे कि हर छठा व्यक्ति भारत का रहने वाला है। अगर आप जियोग्राफिकली अगर पूरे एरिया को देखेंगे तो अमेरिका हिंदुस्तान का 6 गुना, USA 6 गुना जियोग्राफिकल एरिया में है, 6 times, और पॉपुलेशन में 1/6 है। अगर हम भौगोलिक एरिया के आधार पर स्पेस को देखेंगे तो अमेरिका में एक व्यक्ति के पास जितना स्पेस है, हिंदुस्तान में उसका 1/36 है। इतने सघन मानव घनत्व वाले देश में भी हम लोगों ने जो भी सावधानियां थी उसको बरतते हुए कम से कम एक ऐसी स्थिति में पहुंचे हैं कि जहां पर कि मृत्यु दर फिर भी अन्य देशों की तुलना में कम है। ये सरकार और जनता दोनों की मिली जुली प्रतिबद्धता का ही परिणाम मानता हूं। तो अगर मैं इसको इस रूप में और अगर एक्सप्लेन करूं तो आप देखिएगा, जो हमारी भारतीय जीवन पद्धति थी प्राचीन, जो आयुष कवच के रूप में आज की तारीख में दिख रहा है, अगर ये प्राचीन जो हमारी पद्धतियां थी ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः जो अभी भी जिंदा है,
उसने इस कोरोना के संघर्ष में हमको प्राकृतिक रूप से नेचुरोपैथी की ताकत दी, वो चाहे तुलसी की पत्ती, नीम की पत्ती, चाहे वो अन्य चीजों के कढ़ा, चाहे लहसुन, चाहे हल्दी, जितने भी तरह के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली चीजें रही हैं, सब्जी, फल, अच्छी हवा, ये चीजें भी हमको सहयोग प्रदान कर रही हैं। मैं आजमगढ़ जिले में हूं और यहाँ पर प्रवासी श्रमिक 1 मई से आज तक लगभग 1,11,000 आ चुके हैं विभिन्न प्रांतों से, और वो ग्रेजुअली मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी निर्देश आ रहे हैं वो धीरे धीरे सेटल भी हो रहे हैं। उनका स्वास्थ्य परीक्षण, उनका आवश्यक होम क्वारंटाइन या शेल्टर होम, लक्षण आने पर उनके सैंपल, और अगर किसी को पॉजिटिव आ गया तो उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, और उसके लिए डिफरेंट टाइप के फैसिलिटी, क्वारंटाइन, शेल्टर होम, डिफरेंट टाइप के कोविड हॉस्पिटल्स, उसमें जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट गवर्नमेंट की बॉडीज के साथ इंटीग्रेटेड ज्वाइंट एफर्ट, उसके आधार पर एक बहुत कार्रवाई हो रही है। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो अमेरिका की तुलना में, जो सबसे विकसित देश है, जहां मानव घनत्व तो हमारी तुलना में 1/36 है, हम फिर भी इस लड़ाई में कारगर तौर पर आगे आ रहे हैं। उसके पीछे हमारी प्राचीन मान्यताओं की आचरण पद्धति और हमारा सकारात्मक भाव भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। डेटा कलेक्शन और हमें इम्प्रूव करना होगा, एक चुनौती दे रहा है ये COVID-19 का महामारी। हमें अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत रखना चाहिए कंटिन्यूअस, जिस पर सरकार काम करना शुरू की है। अब आज मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में जो वायरोलॉजी के लैब हर जिले में स्थापित करने के लिए कल उन्होंने निर्णय लिया है। भारत सरकार ने भी निर्णय लिया है कि डिफरेंट टाइप के वायरल्स आते रहते हैं और भविष्य में और आने की संभावनाएं होंगी, इसलिए एक फुल फ्लेज्ड लैब, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट के साथ लैस होते हुए, मशीनों के साथ लैस होते हुए हर जिले में होनी चाहिए, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई करके, चाहे उसकी वैक्सीन ना भी हो तो कम से कम हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन अपने बिहेवियरल पार्ट में परिवर्तन करके तो कर ही सकते हैं। ये चीजें हमने शुरू किया है। मैं समझता हूँ आपका जो एक प्रश्न था डेटा कलेक्शन का, वाजिब है, लेकिन उसके पीछे मैं कारण वही समझता हूँ कि इसके विषय में पूर्वानुमान नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद डीएम साहब। आपने बात सही करी कि डेटा में हमारे पास अभी भी विफलता है कि हमने डेटा कलेक्ट नहीं किया। अगर हमारे पास आज डेटा रहता तो हम उन हवाई यात्रियों को अलग करके हम 135 करोड़ की जनसंख्या के स्वास्थ्य पर रिस्क नहीं आने देते। लेकिन इस पर हम आगे भविष्य में कार्रवाई करेंगे, और निसंदेह हम वैश्विक महामारी पर निर्भर ना रहते हुए कि वैश्विक महामारी जब आएगी तभी हम डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, इस पर भारत सरकार को मैं समझ रहा हूं कि उन तक ये संदेश गया होगा कि अब डेटा कलेक्शन का कार्य शुरू होना चाहिए। मनोवर महोदय, ये उत्तर प्रदेश लगभग 23 करोड़ की जनसंख्या, 75 जिला, 348 तहसील, 823 विकास खंड, 16 नगर निगम, 198 नगर पालिका परिषद और 439 नगर पंचायत। ये डेटा मैंने इसलिए कहा मनोवर महोदय, इतनी बड़ी मशीनरी के होने के बावजूद कल अपर मुख्य सचिव आदरणीय श्री अवनीश अवस्थी जी का ट्विटर पे बयान आया कि 1200 ट्रेनों से लगभग 16.5 लाख प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में पलायन कर आए हैं। एक प्रश्न उठता है माननीय महोदय, क्या हमारे पास इसकी डेटा सैंपलिंग है कि ये लोग कहां से आ रहे हैं, कहां जाएंगे? दूसरी बात कि क्या इनके लिए हमने कोई डेडिकेटेड पोर्टल निर्धारित करी है कि क्योंकि अब इनके लिए रोजगार सृजन करने की व्यवस्था आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, जो कि 17वीं विधानसभा के 21वें मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसका जिक्र किया, तो क्या इसकी तैयारियां होंगी? क्योंकि अर्थव्यवस्था पर हम आगे वाले के प्रश्नों में आएंगे, ये बड़े ही ज्वलंत प्रश्न है। इतना कुछ होने के बावजूद भी जहां हम लोग बात करते हैं कि $5 trillion इकोनॉमी, मैं समझ सकता हूं वैश्विक महामारी की वजह से विश्व भर में इसके अर्थव्यवस्था चपेट में आई, लेकिन कई मजदूर हमने देखा कि पैदल चल रहे हैं, रिक्शा पे चल रहे हैं, और आज आपने देखा होगा कि अमेरिका की राष्ट्रपति की पुत्री इवांका ट्रंप ने भी वो ट्वीट किया है कि वो बिहार की लड़की जो अपने पिता को गुरुग्राम से लेकर बिहार साइकिल पर पहुंची। तो ऐसी
दयनीय स्थिति बहुत बड़ा प्रश्न उठाती है हमारे राज्यों पर कि उनकी तैयारी अब आगे किस प्रकार से है। ओवर टू यू माननीय महोदय जी। देखिए अतुल, आपने किसी भी नागरिक का राज्य पर प्रश्न उठाना बड़ा स्वाभाविक है और मैं भी ये मानता हूं कि लिबरल डेमोक्रेसी या संविधान में राज्य की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर इन व्यवस्थाओं की होती है और उस जिम्मेदारी राज्य सरकार या उसके प्रतिनिधि निभाएंगे, निभाना चाहिए। 3000 वर्ष पहले भी भीष्म पितामह ने शांति पर्व में भगवान कृष्ण ने जब युधिष्ठिर से कहा कि राजधर्म की दीक्षा लो भीष्म पितामह से, तो उन्होंने भी यही कहा था 3000 वर्ष पहले महाभारत का कि राज्य का सबसे बड़ा धर्म ये होता है कि प्रत्येक नागरिक की रक्षा उसी तरह होनी चाहिए जैसे माँ अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा करती है। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, सैद्धांतिक रूप से सहमति है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये जो शहर से गांव की ओर पलायन, अपनी माटी की ओर श्रमिक बंद कर रहे हैं, इसके पीछे क्या सिर्फ राज्य सरकारें ही दोषी हैं? क्या सिर्फ सरकार को ही हम दोष दे करके शांत हो सकते हैं क्या? ये बात मैं सिर्फ एक नागरिक के रूप में कह रहा हूं, मात्र अधिकारी के चश्मे से न देखिएगा। क्योंकि जो ग्रामीण लोग अपने रोजगार की चाहत में शहर गए थे और शहर को के आस को बसाने में, उनकी अवस्थापना सुविधाओं के बसाने में अपना पसीना खून बहाया, क्या कारण है कि एक महामारी के आते ही वो मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से बेगानी महसूस करने लगे अपने आप को? क्यों उन्हें अपनी मूल माटी की ओर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा? क्या पूरा का पूरा उस औद्योगिक समाज का ढांचा अपनी जिम्मेदारी से भाग सकता है? अगर वो औद्योगिक समाज, औद्योगिकरण के दौर जहां पर ये इंडस्ट्रियल मैग्नेट्स स्थापित हुए, उसमें श्रमिकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। अगर कोई व्यक्ति का जितनी जिम्मेदारी एक मैनेजरियल स्किल वाले व्यक्ति की होती है, उतने ही उसके स्थापत्य में उस श्रमिक की भी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है किसी भी औद्योगिकरण के विकास की गति देने। अगर वो श्रमिक अचानक वैश्विक महामारी आने में क्यों मनोवैज्ञानिक रूप से अपने को अकेला महसूस करने लगा, क्यों उसे लगने लगा कि यह शहर उसका अपना नहीं है, क्यों उसे लगने लगा कि शहर उसको अपनाना नहीं चाहता है, क्यों उसे आर्थिक गतिविधियों की भविष्य पर एक प्रश्नचिन्ह उसके दिमाग में आया, क्यों अपनी माटी की ओर भागने के लिए लालायित है, परेशान है, बल्कि वो पैदल लॉकडाउन के होते हुए भी पैरों के छाले जो आपने कहा उसको सहते हुए भी साइकिल से, रिक्शे से, पैदल, ट्रकों पर तमाम वेदना यातना को सहते हुए वो अपने गांव की ओर आने के लिए मजबूर है? यह सवाल एक पूरे के पूरे हमारे सामाजिक चेतना को भी झकझोरता है, हमारी जो एक सोशल डायनेमिक्स उस पर भी एक सवाल खड़ा करता है। उस सोशल डायनेमिक्स के लिए भी हम लोगों को सोचने की जरूरत है कि एक जरूर एक स्थिति थी अगर किसी भी शहर में ये आकलन नहीं था कि जो श्रमिक वहां पर गए हैं औद्योगिक शहरों में किन किन क्षेत्रों से कितने श्रमिक हैं, ये डेटाबेस भी नहीं था। ये सच है। अगर आप गौतम बुद्ध नगर में भी देखेंगे जहां पर आप रह रहे हैं, वहां पर भी ये डेटाबेस कि इंडस्ट्रीज में किस शहर के कितने लोग हैं, इसका कोई आकलन माइग्रेंट लेबर के विषय में नहीं था। इसके लिए मैं हमेशा सवाल उठाता रहा हूं अधिकारी के रूप में भी कि हमें इंटाइटलमेंट की बात जो अमर सेन जी कहा करते हैं, जब भी कोई किसी शहर का, किसी समाज का हिस्सा है तो वह पब्लिक पॉलिसी के तहत उसको अपने बुनियादी अधिकारियों के अधिकारों के लिए इंटाइटलमेंट मिलना चाहिए। दुर्भाग्य से जो श्रमिक है, जिस शहर में रहता है, काम करता है, जहां पर उद्योगों में अपनी भूमिका निभाता है, वहां की पब्लिक पॉलिसी में इंटाइटलमेंट के लिए उसके लिए बहुत अभी कारगर रूप से नीतियां नहीं है। उसके कारण ही वो अपने को डिसएम्पावर्ड महसूस करता है और इसीलिए वो पलायन करके भागना अपने गांव की ओर, अपने मिट्टी की ओर, अपने पुराने उस पोखरे, पुराने डी बाबा, पुराने उसके बरगद के पेड़ उसको याद आने लगे कि क्योंकि यहाँ पर 100,000 लोग इसी जनपद में आए हैं। और मैं जब गाँव गाँव में प्रतिदिन 5 गाँव में जाता हूँ, प्रवासी श्रमिकों से बात करता हूँ, तो वो यही कहते हैं कि साहब वहां पर रहने की बजाय तो हम
एक जून की रोटी खा के भी अपने गांव में स्वस्थ रह लेंगे, खुश रह लेंगे। कम से कम ये गांव मुझे अपना तो मानता है, लेकिन उनके लिए बड़ा दर्द ये भी पैदा कर दिया है कोविड-19 ने कि जहां शहरों में उन्होंने खून पसीना बहाया शहरों के निर्माण के लिए, औद्योगिक आर्थिक गतिविधियों की संरचना में अपनी पूरी भूमिका निभाई, वो तो बेगाना हुआ ही, साथ ही बेगाना वो भी हो गया जो गांव था कि इस व्यक्ति को कोरोना तो नहीं हुआ है, गांव वालों ने भी बैरिकेडिंग लगा दिया और उनको गांव में घुसने नहीं दिया। फिजिकल डिस्टेंस, हैंड वॉश, मास्क लगाना, सावधानी बरतना, ये तो होना चाहिए था, लेकिन गांव ने भी जैसे कोरोना की संदिग्धता कोई अपराध हो, उस व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत दोष हो, उसके आधार पर इस तरह की गतिविधियां शुरू। तो ये जो बेगानापन उसे गांव में भी मिल रहा है, शहर से तो मिला ही, इसलिए उसका मनोवैज्ञानिक और आर्थिक सामाजिक समवेत व्यवस्थापन एक बहुत बड़ी चुनौती इस समय हमारे समाज और सरकार के समक्ष है। सरकार ने प्रवासी राहत मित्र एक ऐप डेवलप किया है, जो लोग आ रहे हैं वो उन प्रांतों में अपना पंजीकरण करा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने jansunwai.nic.in करके एक पोर्टल भी दिया है, जिसके पंजीकरण के बाद वहां पर स्वास्थ्य परीक्षण कराकर रेलवे या बसों के माध्यम से लोग आ रहे हैं, यहाँ पर उनकी स्वास्थ्य परीक्षण होता है, फिर उनको शेल्टर होम ले जाते हैं, वहां कुछ दिन रखते हैं, फिर उनको अगर स्टेबल होने के बाद फिर उनको होम क्वारंटाइन करते हैं। हर तीसरे दिन आशा उनका निरीक्षण करती है, लक्षण पाए जाने पर उनकी सैंपलिंग होती है। और मैं तो ठेठ में गाँव वालों को ये समझाता हूँ कि होम क्वारंटाइन भारी भरकम अंग्रेजी शब्द तुमको लगता होगा जैसे कोई बहुत बड़ा स्वास्थ्य का कोई बहुत बड़ा एक जार्गन है, लेकिन इसको इसी तरह समझो जैसे किसी घर में जब कोई मृत्यु होती है, जो कोई व्यक्ति दाह संस्कार करता है तो दाह संस्कार करने वाला व्यक्ति उस घर में जब अपने आता है जो अग्नि दिए रहता है तो उसको 10 दिन होता है, लोग घर में रखते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन उससे दूरी बनाए रखते हैं, उसके बिस्तर, उसकी बेड, उसके कपड़े, उसके खाने के बर्तन सब अलग रहते हैं और उस 10वें दिन उसको नष्ट भी कर देते हैं, घर के बाकी चीजों का एक्सेसरीज का हिस्सा नहीं होता। तो हमारी संस्कृति में ये जो वायरस से ही बचने की कोई परंपरा रही होगी, जिसकी वजह से ये 10वें तक, इसी तरह मुस्लिम फेथ में 40वां की जो बात होती है, जिसके घर में मृत्यु होती है 40 दिन तक वो बाहर नहीं जाते, ये परंपराएं शायद अगर अपना लें गांव वाले, तो मैं उनसे कहता हूं कि आप अपनों से लगाव मत कम करो, भौतिक दूरी, हैंड वॉश, क्वारंटाइन को उसी रूप में लो, और जिससे कि उससे संक्रमण ना फैले लेकिन वो आदमी आपके हिस्सा हो जाए, सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसका हिस्सा हो जाए। फौरी तरीके पर मनरेगा से जोड़ने का है, जैसे मेरे जनपद में उदाहरण के लिए मुख्यमंत्री जी के प्रयास से हमने 95,000 श्रमिक प्रतिदिन काम करना है मनरेगा, और वो प्राकृतिक संसाधनों के डेवलपमेंट पर ही उनको लगा रखा है हमने, तालाबों पर, वृक्षारोपण पर, या खेतों के समतलीकरण पर, या नदियों के रिजुवेनेशन पर, पुनर् सशक्तिकरण पर, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंटल स्ट्रेंथनिंग भी हो और साथ में उसको रोजगार भी मिले। लेकिन ये इसका एक छोटा सोल्यूशन है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन उसके दो है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो ये है, पूरे कोविड-19 ने पूरा समीकरण ही गड्ढमड्ढ कर दिया है। अभी आप देखिएगा जो फ्यूचर इम्पैक्ट होगा, अभी तो शहर के लोगों को, मुंबई के लोगों को बहुत ही विनम्रता से कहूंगा मैं, या औद्योगिक नगरी के लोगों को लगता है कि ये चले जाएं श्रमिक, यहाँ से भीड़ कम हो जाए तो शायद हमारा शहर ठीक रहेगा, सुरक्षित रहेगा, गंदा नहीं रहेगा, लेकिन शायद ये भूल रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद वो इंडस्ट्रीज में मजदूर कहाँ से मिलेंगे, जब मजदूर नहीं मिलेंगे तो इंडस्ट्रीज नहीं चलेंगी। इसलिए उद्योगपतियों की जिम्मेदारी थी अपने मजदूरों को मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से जोड़े रहना चाहिए था, उनको भावनात्मक रूप से जोड़े रहना चाहिए था, ताकि इस वैश्विक महामारी में, वह कुछ दिनों तक लॉकडाउन था, धीरे धीरे एक्टिविटी शुरू हो रही थी और प्रिकॉशन के साथ एक्टिविटी शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हम अगर ये सोचें कि कोरोना बिल्कुल जीरो हो जाएगा तब हम घर से बाहर निकलेंगे, ये मुझे लगता है बिल्कुल असंभव सा है। ये हमें ऐसी महामारियों के साथ
अपनी गतिविधियों को समानांतर रूप से चलाते हुए समन्वय रखने की प्रवृत्ति को विकसित करना होगा। और इतिहास साक्षी है, क्या समुद्र के किनारे के लोग तूफान के साथ नहीं जीते क्या? क्या जापान के लोग भूकंप के साथ नहीं जीते क्या? क्या अंटार्कटिका के लोग बर्फीली हवाओं और माइनस टेम्परेचर के साथ नहीं जीते क्या? क्या भूमध्य रेखीय प्रदेशों के लोग कड़कती हुई धूप 45-50 डिग्री टेम्परेचर में जीने के आदि नहीं है क्या? क्या बाढ़ग्रस्त इलाके जो है तमाम नदियों के किनारे 3-3 महीने बाढ़ से ग्रस्त रहते हैं, इसके बावजूद भी वो अपने मूल स्थान को नहीं छोड़ते, तो क्या हम आपदाओं के साथ सह अस्तित्व के साथ जीने के आदि मानव इतिहास नहीं रहा है क्या? क्या मानव इतिहास समूचा सकारात्मक भाव से प्रकृति की चुनौतियों के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति के साथ जुड़ा नहीं रहा है क्या? इसलिए अगर हम कोई ये समझें कोई एक समस्या जब पूर्णतः शून्य हो जाएगी तब हम जीवन प्रारंभ करेंगे, तो हमने फिर इसका मतलब मानव इतिहास से कोई शिक्षा नहीं ली है। मानव इतिहास के दौर में हमेशा ऐसी घटनाएं होती रही हैं, तमाम अनगिनत उदाहरण हैं, पुराणों तक में प्रलय की चर्चाएं हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता नष्ट हो गई, आज तक पता नहीं चला उस नगरी सभ्यता किन कारणों से नष्ट हुई, तमाम ऐसी बेबीलोन की सभ्यताएं, तमाम कन्फ्यूशियस में कई तरह की घटनाएं, तमाम ऐसी स्थितियां हैं जो उलट फेर बताती हैं हमारे इकोलॉजिकल कारणों से या तमाम अन्य कारणों से, लेकिन मानव इतिहास अपनी उद्यमिता अपने साहस और चुनौतियों के साथ समायोजन करने की दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर निरंतर आगे बढ़ा है। इसलिए उद्योगपतियों को भी सोचना चाहिए था, बहुत विनम्रता से मैं कह रहा हूँ कि उद्योग बिना श्रमिकों के नहीं चलेंगे। अगर वो श्रमिक आज गाँव में चले आए, एक नई दौर शुरू हो सकती है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के नए ढांचे के परिवर्तन की, और अगर रूरल इकोनॉमी ने ट्रांसफॉर्म किया जो इस देश के लिए बहुत आवश्यक है, मानव घनत्व शहरों में ना बढ़े, गांव में रोजगार विकेंद्रीकृत हो और एक बेहतर कम मानव घनत्व के साथ एक व्यक्ति के पास भौगोलिक इन्वायरमेंटल स्पेस ज्यादा हो और उपभोक्ता और उत्पादन के बीच का की दूरी कम हो ताकि ट्रांसपोर्ट पर भी बोझ कम हो, एयर पॉल्यूशन भी कम हो, तमाम तरह की इन चीजों के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, ग्रामीण स्वराज, अर्थतंत्र की विकेंद्रीकृत व्यवस्था की ओर अगर देश चलना आवश्यक है, अगर ये चलता है तो आप कल्पना करो उन औद्योगिक नगरों के उद्योगों की क्या हालत होगी, ये उद्योग कैसे चलेंगे, ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसलिए उद्योगपतियों को अभी भी जो श्रमिक हैं उनको भावनात्मक लगाव के साथ उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हुए उनको रोकना होगा, उनको संबल देना होगा, उन्हें विश्वास देना होगा ताकि आर्थिक गतिविधियों के साथ वो वहां रुक सकें, मेरी तो ये मान्यता। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे बताई हैं, हमारी संस्कृति की भी बात की और साथ में हमारे आहार का भी बात किया, जैसे कि लहसुन हम खाते हैं और हल्दी खाते हैं, बाकी सारी ये सारी जड़ी बूटियां हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम को भारत में काफ़ी अच्छे से बना के रखती हैं। और यह भी बहुत सुखद है, हालांकि कोरोना एक बड़ी वैश्विक बीमारी है, लेकिन उसमें यह देखना सुखद है कि अन्य देशों की तुलना में हमारा देश बेहतर स्थिति में है। हमारी संस्कृति में श्री रामचरित मानस के विभीषण धर्मरथ प्रकरण में एक पंक्ति आती है, सौरज धीरज तेहिरथ चाका, अर्थात शौर्य और धैर्य ही धर्मरथ के दो पहिए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कोरोना से निपटने के लिए जो मूल मंत्र बताया गया है वह भी धैर्य एवं संकल्प ही बताया गया है, परंतु 2 महीने लगभग हमारे देश में संपूर्ण लॉकडाउन रहा। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उस समय लगभग 100 से भी नीचे की संख्या थी, लेकिन आज जब 2 महीने के धैर्य रखने के बाद जब लॉकडाउन खोला गया है, वह भी कुछ सशर्त रूप से खोला गया है, तो उस समय जो कोरोना के सारे केसेस हैं वो लगभग 1.25 लाख के आसपास हैं, जो अभी संख्या दिखाई दे रही है। तो एक तरफ 100 के संख्या में लॉकडाउन का न खुलना और 1.5 लाख 1.25 लाख के संख्या के समय लॉकडाउन का खुल जाना और वहाँ पर हमें नियमों का पालन करना है, प्रशासनिक स्तर पर एवं जनता के स्तर पर आपको आप इसे किस प्रकार की चुनौती के रूप में देखते हैं? देखिए, आपका बड़ा वाजिब प्रश्न है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में प्रश्न आता है कि जब संख्या बहुत कम थी तो कंप्लीट लॉकडाउन था, जब संख्या बढ़
क्यों हो रही है, सवाल बहुत तेजी से लोग उठाते हैं। लेकिन जो मैं कुछ देर पहले भी ये कह रहा था दीपक, कि समस्त मानव की गतिविधियां नहीं रोकी जा सकती है। मुझे लगता है कि जो लॉकडाउन भारत सरकार ने प्रथम चरण में लागू किया, उसके दो कारण हैं जो बातों से लगता भी है सरकार के, हालांकि मैं सरकार का अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूं भारत सरकार का, लेकिन जो मुझे असेसमेंट दिखता है तो उसके पीछे शायद दो कारण रहा होगा। एक कारण तो ये कि हम एक डेढ़ महीने का जो लॉकडाउन होगा कंप्लीट, उसमें अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम एसेस करके आइडेंटिफाई करके उसकी मजबूती की ओर कदम बढ़ा लेंगे, नंबर एक। और जो हुआ भी, जैसे अगर मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश में L1 जो बिना लक्षण के पॉजिटिव पाए जाने पर इलाज करने के लिए जो बेड था, उसको आज की तारीख में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से हम लोग 1 लाख के आसपास पहुंच रहे हैं, जबकि जो शुरुआती दौर में ये संख्या 10,000 से भी कम थी। इसी तरह से जो COVID-19 से फाइट करने के जो L3 हॉस्पिटल्स थे, उसकी संख्या तो बेड की बहुत ही कम थी सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस के अलावा, लेकिन आज की तारीख में वेंटिलेटर्स के साथ, फैसिलिटी के साथ, जैसे मेरे ही जनपद में आजमगढ़, जबकि पूर्वांचल का बहुत डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट नहीं है, संख्या भले ही जनसंख्या 60 लाख है, लेकिन यहाँ पर 100 बेड का L3 हॉस्पिटल विथ वेंटिलेटर एनेस्थेटिस्ट डेवलप हो गया। ये मुझे लगता है कि पहला जो लॉकडाउन किया सरकार ने, कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, संभावनाओं को टटोल लें, समझ लें, उसको कुछ विस्तार लें। और दूसरा मुझे लगता है कि एक प्रमुख कारण ये था कि जब लॉकडाउन हो रहा तो एक भारत के लोग पूरे देश में इस गंभीरता को एहसास करें, और उसके लिए 3 ही आचरण तो महत्वपूर्ण है बचाव के लिए। पहला कि आप लोगों से भौतिक दूरी रखो, तीसरा अगर बात करना है तो मिनिमम 2 मीटर की नजदीक अगर बात कर रहे हैं तो आप मास्क लगा लो, और तीसरा अगर किसी से कुछ भी छूते हो तो हाथ वाथ धुल लें ठीक से, 20 सेकंड धुलने के बाद ही मुंह को और नाक और आंख को छुओ। ये बेसिक 3 ही 4 तो फंडामेंटल बातें हैं। ये 3-4 चीजें हमारी जिंदगी के आचरण का, व्यवहार का हिस्सा बन जाए। लॉकडाउन की वजह से, चूंकि जब लॉकडाउन होता है तो लोगों को गंभीरता स्टेशन होती है दिमाग में, और इसके बाद लोग समझते हैं कि अच्छा यही यही चीज बचाव के लिए यही 3 चीजें आवश्यक है, तो उसका जो चिंतन था उनके व्यवहार का, सबकॉन्शियस का भी हिस्सा बन जाए। इसलिए शायद ये दोनों फैक्टर की वजह से कंप्लीट लॉकडाउन शुरू में किया गया। लेकिन कोई भी लॉकडाउन अंतिम इलाज तो नहीं है। आज की तारीख में हम लोग देख रहे हैं कि बिना लक्षण वाले कोरोना पॉजिटिव ज्यादा निकल रहे हैं। उनके लिए सिर्फ उनके उपचार का दर भी बहुत तेज है। हमारे यहाँ जैसे मुंबई के जो प्रवासी आए हैं, उसके बाद से जरूर 21 और लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, लेकिन इसके पहले के जो पॉजिटिव थे 9 लोगों का उपचार होकर के वो घर चले गए 15-20 दिन पहले ही। अब जो भी नए आए हैं मुंबई से, जो प्रवासी श्रमिक आए हैं, वो स्टेशन और रोडवेज पर जो फिल्टर कर दिए गए थे सर्वेलेंस से, शेल्टर होम में उनके, लेकिन उनमें से भी 2-3 ठीक हो गए। तो ग्रेजुअली सद आचरण से, आचरण के लिए जो बिहेवियरल प्रोटोकॉल है फॉलो करते हुए लोग ठीक हो रहे हैं, और अगर ये प्रोटोकॉल डिस्टेंसिंग का लोग फॉलो कर लें, स्वच्छता का फॉलो कर लें, इसके साथ जिंदगी चल सकती है, ये तो बहुत ही आसान विकल्प है, जिसमें आपको दवा की जरूरत नहीं है। संक्रमण से अपने को बचाने के लिए अपने आचरण व्यवहार में कुछ चीजों का हिस्सा बनाना। तो हम तो पहले से ही दूर से प्रणाम करने वाला देश रहा है, गले नहीं मिलता था, हमने गलत आदतें सीख लिया, हम तो दूर से प्रणाम करते थे। हम लोग तो हमेशा खाना खाने के लिए बाहर से आने के बाद पूरे कपड़े उतार करके खाना खाने की प्रवृत्ति, संस्कृति हमारी रही हजारों साल से। हमारे यहाँ तो हमेशा सुबह सुबह तुलसी की पूजा करने का मतलब तुलसी की पत्ती, नीम की पत्ती खाने की आदत रही, नीम के दातून से ब्रश करने की आदत रही, एंटीबायोटिक। जो आचरण आज पूरा विश्व कह रहा है, वो आचरण हमारी ऋषि परंपरा का अभिन्न हिस्सा रहा। हम थोड़ा सा अपने आचरण को कुरेद कर बैक चले जाएं और भौतिक दूरी बना लें, मात्र इतने से अगर हमारी आर्थिक गतिविधियां चल सकती हैं, ग्रोथ रेट निगेटिव नहीं होगा, तो हम
दोनों को समानांतर दीपक क्यों नहीं चला सकते? हम सारी गतिविधियों को लॉकडाउन करके कंप्लीट लोगों को भूखमरी से मरने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अगर आप कहें कि राज्य सरकार या भारत सरकार है सबकी व्यवस्था करें, तो ये भी जीएसटी या किसी टैक्स से पैसा आने से ही सरकार व्यवस्था करती है। सारी अगर गतिविधियां ही ठप हो जाएंगी तो थोड़े दिन तक आरबीआई नोट एक्स्ट्रा छाप देगा, लेकिन वो फिर मुद्रास्फीति को बढ़ाएगा। अगर हम ये कहें कि पूरी एक्टिविटी रोके रहो जब तो कोरोना शून्य नहीं हो जाएगा, एक तर्क हो सकता है, लेकिन समानांतर तर्क ये भी है कि क्यों ना हम आज चरण में सावधानी को अपने हिस्से लाके जन जागरण से और धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी को नॉर्मल लाएं, लड़ेंगे बढ़ेंगे साथ साथ इस स्लोगन के साथ कि हम वी विल फाइट विद कोरोना विद विद ऑल प्रिकॉशंस एंड पैरेलली हम अपनी एक्टिविटीज को भी ग्रेजुअली धीरे 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 ऐसी मुकाम पर ले आएंगे कि हम उसके साथ समायोजन कर लेंगे जैसे अन्य आपदाओं के साथ समायोजन करते हैं। जी बहुत अच्छी बातें बताई सर आपने, और अभी आपने जैसे बताया कि हमारी संस्कृति का यह हिस्सा रहा था, यहाँ तक कि जब एक बार चेचक का महा प्रकोप फैला था, वो आज भी अगर किसी बच्चे को होता है तो वो क्वारंटाइन की तरह से ही उसका ट्रीटमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न यह उठता है कि जैसी आपके बात से जो मुझे समझ आया कि यह कहीं ना कहीं आचरण एवं जागरूकता का भी प्रश्न है, तो क्या आपको लगता है कि वर्तमान में जो जैसी शिक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था में भी इस प्रकार के आचरणों को विकसित करने की प्रणाली कुछ विकसित की जाए ताकि जो चीजें हमसे छूट गई हैं वो भविष्य में सदा के लिए हर नागरिक जीवन में अपना सके? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये जो अब चूंकि वैश्विक महामारी आई है और इतने बड़े अननोन वायरस से के आक्रमण से इतने बड़े भूचाल और हलचल आया है पूरे सामाजिक और आर्थिक परिवेश में, तो सभी को मजबूर कर रहा है कि इस तरह के अन्य वायरस भी आ सकते हैं और भी वायरस आ सकते हैं। तो अगर हमें वायरस के साथ लाइफ मैनेजमेंट को, हमें एक अपनी जो बायोलॉजिकल बॉडी है मास है इसको हम कैसे जीवित रख सकें, इसके लिए कितने तरह के प्रिकॉशंस वायरस के साथ होने चाहिए, इसको हमें सिलेबस का हिस्सा बनाना पड़ेगा और बहुत ही नर्सरी क्लास से इसको हिस्सा बनाना पड़ेगा, जिससे कि वो जैसे एनवायरनमेंट को हिस्सा हम लोगों ने बनाया है और बेहतर ढंग से इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को बनाने की जरूरत है, उसी तरह से महिलाओं के प्रति सम्मान के भाव को भी सिलेबस का हिस्सा बनाने की जरूरत है, उसी तरह से इस प्रकार के महामारियों और वायरस के साथ मैनेजमेंट के लिए भी हमें शुरू से हिस्सा बनाना है। क्योंकि तो देखिए बहुत अच्छा मौलिक सवाल जागरूकता का आपने उठाया, ये न्यूरो फिजिसिस्ट का जो अध्ययन है कि हमारी जो हम चूंकि फिजिक्स के विद्यार्थी हैं, जो हमारे व्यूअर्स बहुत सारे फिजिक्स के होंगे, कि जो व्यक्ति 6 साल की उम्र तक हमारी हम लो फ्रिक्वेंसी वेव होते हैं और 6 से 12 में थोड़ी हायर फ्रिक्वेंसी होती है और 12 साल के बाद हम और हायर फ्रिक्वेंसी वेव हो जाते हैं, बिकॉज एवरी पार्टिकल इन द कॉस्मोस इज एन ऑसिलेटिंग वेव बिटवीन टू ऑपोजिट पोल्स। हम एक प्रत्येक ब्रह्मांड का कण 2 विपरीत ध्रुवों के मध्य नृत्य करती एक कंपन करती ऊर्जा है। ये जो ऑसिलेटिंग वेव है हमारी, ये प्रत्येक व्यक्ति जो है ये लो फ्रिक्वेंसी वेव होता है कम उम्र। कम उम्र में जो बातें हमें सिखाई जाती हैं, हमारे सबस्टेबिलिटी ज्यादा होती है और हमारे सबकॉन्सियस का अवचेतन का हिस्सा हो जाती है। जो चीजें हमारे अवचेतन का हिस्सा होती है वो जिंदगी भर हमारे आचरण के लिए वो बहुत ही हमेशा हमें पूछती रहती है। जो चीजें हम 12 साल के बाद सीखते हैं, हो सकता है वो हमारे सबकॉन्सियस का हिस्सा बहुत ही माइनर हो, कॉन्सियस माइंड का हिस्सा हो, लेकिन सबकॉन्सियस माइंड 1 सेकंड में 40 मिलियन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और कॉन्सियस माइंड 1 सेकंड में सिर्फ 40 सूचनाओं को प्रोसेस करता है। इसलिए कम उम्र में अगर हम छोटे बच्चों को शिक्षा पद्धति में अगर हम वायरस मैनेजमेंट, इकोलॉजिकल मैनेजमेंट, रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, रिस्पेक्ट फॉर लेबर, इन चीजों को रिस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट फॉर और मदरलैंड, ये चीजें अगर शुरू से अगर इंटीग्रल पार्ट हो और हमारे सबकॉन्सियस का हिस्सा हो तो फ्यूचर में लड़ाई को हम इस चैलेंज को और अच्छे ढंग से कन्फ्रंट कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय। आदरणीय डीएन साहब,
जैसा कि आपने इन बिंदुओं पर बेहतरीन प्रकाश डाला, मैं आपका ध्यान थोड़ा इसी में आगे ले जाना चाहूंगा कि हमारे देश में जितने भी विद्यालय हैं वहां पे प्रतिदिन असेंबली होती है सुबह, जब वो खुले थे, अभी तो बंद है। अगर हमसे 50 वर्ष की भी आयु में अगर वो विद्यार्थी बड़ा हो जाता है तो उससे अगर राष्ट्रगान गाने को कहा जाता है तो वो गा पाता है। इसका कारण आपने स्वयं बताया कि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में जो वो प्रतिदिन राष्ट्रगान उसको स्कूल ने अभ्यास करा करा कर उनके सबकॉन्शियस माइंड में डाली, वो चीज वो कभी भूलता नहीं है। कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास के जर्मती हो सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। तो सर आपने जो ये बातें कही, क्या ये हमारे सिलेबस का हिस्सा केवल दैनिक में नहीं, अगर हम इसको पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर सकें तो क्या ये हमारे लिए बेहतर नहीं होगा? उदाहरण स्वरूप, दूसरे विदेशों से हम लोग दूसरे देशों से सीखते हैं। सिंगापुर में एक विश्वविद्यालय में बड़ी अच्छी चीज शुरुआत की, जब एक महाविद्यालय में एक विद्यार्थी अगर एडमिशन लेता है तो उससे कहा जाता है कि आप पेड़ लगाइए, उस पेड़ के आगे उसका रोल, अनुक्रमांक संख्या, सारी चीज लिख दी जाती है। और 4 वर्षों की यहाँ हमारे बीटेक होती है, वहां ग्रेजुएशन 3 साल की होती होगी, तो 3 साल तक उसके हर सेमिस्टर में उसके नंबर होते हैं कि क्या उसकी ग्रोथ रेट हुई। वही विद्यार्थी उसका पालन पोषण करता है, पानी डालता है, चीजों को देखता है, और हर सेमिस्टर में उसके नंबर होते हैं। ये पद्धति जब वो विश्वविद्यालय से, महाविद्यालय से बाहर निकलता है तो वो पेड़ बड़ा हो जाता है, और जब वो महाविद्यालय से निकल कर सामाजिक जीवन में जाएगा तो वो दिमाग में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में इट विल बी इनग्रेन्ड प्रॉपरली। सर यही अगर हम, जो आपने बातें कही, चाहे वो महिलाओं का सम्मान हो, चाहे वो हाथ धोकर खाना हो, या चीजों को जितना अनुशासन से हम रह सकें, अगर हम इसको हम पाठ्यक्रम में विद्यालयों के माध्यम से डालें तो शासन को मुझे लगता है इस पर भी विचार करना चाहिए कि अगर चीजों को हम पहले से ही हमारे विद्यार्थियों में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में डाल दें तो मुझे नहीं लगता कि हमें आगे दिक्कत होगी, जो आज हमें काफी हद तक दिक्कत हुई है कि हमें जीवन पद्धति बदलने में आग्रह करना पड़ रहा है लोगों से कि आप हाथ धोकर खाएं या बाहर ना थूकें, इस प्रकार की चीजें। 73 वर्ष हो गए हैं सर, इस पर भी हमें सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि स्वर लय ताल जो चाहे छीन लो, प्राणों से भैरव गाएंगे, और आज भी हम कुछ ना बोले तो कल खुद को क्या मुंह दिखलाएंगे। ओवर टू यू माननीय महोदय जी। देखिए ऐसा है, आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने भी कहा ये कि सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए, और सिलेबस का हिस्सा मैंने 3-4 चीजें बताई होनी चाहिए। एक तो ये बिहेवियरल जो हमारा पैटर्न है, अगर हम वायरस से फाइट करते हैं, स्वच्छता, सफाई, इन प्रश्नों पर। दूसरा हमारे, जैसा आपने कहा, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के एम्पावरमेंट के विषय में हिस्सा होना चाहिए। तीसरा रिस्पेक्ट फॉर विमेन होना चाहिए। चौथा रिस्पेक्ट फॉर लेबर होना चाहिए, श्रम का सम्मान होना चाहिए। ये भाव हमारे मन में नहीं है, हम बहुत अधिक फ्यूडलिस्टिक हैं। जो व्यक्ति श्रम करता है उसको वर्ण व्यवस्था में नीचे की ओर धकेल दिया गया। ग्रेजुअली क्या हुआ, जो श्रम करने वाले लोग हैं वो श्रम से परहेज करने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि हम सामाजिक व्यवस्था में नीचे की ओर खिसक जाए। इसलिए रिस्पेक्ट फॉर लेबर भी इम्पोर्टेंट है। और उसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो संविधान के प्रियम्बल में हम भारत के लोग सारे 135-135 करोड़ लोग एक हैं, और उसमें जो भी फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसको भी नर्सरी से लेकर के 5th क्लास तक ग्रेजुअली बहुत अच्छे ढंग से लोगों को आत्मसात करने की जरूरत है। दैट शुड बी प्रॉपरली इनग्रेन्ड इन द सबकॉन्शियस ऑफ एवरी चाइल्ड। अगर ये चीजें हम करेंगे तो जाहिर है एक अच्छे नागरिक के रूप उन्हें विकसित कर पाएंगे, और चुनौतियों से सामना करने के लिए उन्हें सक्षम बना पाएंगे, और वी कैन इग्नाइट देयर क्रिटिकल फैकल्टी टू कन्फ्रंट एनी काइंड ऑफ चैलेंज विद पॉजिटिव स्पिरिट। ये भी होना चाहिए। बिल्कुल सही आपने सवाल उठाया। और एक मैं जो बार बार पहले भी कह रहा था, फिर कह रहा हूँ, जो अर्बन एरियाज हैं उनके लोग, जो लोग रहते हैं, उनको ये सोचने की जरूरत जरूर है, जो शुरू में कह रहा था कि जो गांव से आए हुए लोग हैं, जो आपकी फैक्ट्री और उद्योगों में काम करते हैं, वो एलियन नहीं है, वो कोई बाहर के लोग नहीं है, वो आपके इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट के, कार्य संस्कृति के अभिन्न हिस्से हैं। इसलिए जैसे आपने अपनी फैमिली को सजोया, उसी तरह से उनको भी बचा के रखो, रोक के रखो परिवार की तरह, तभी आपके उद्योग फल फूल पाएंगे, वरना आने वाला समय उद्योगों के लिए और संकट लेके आए। जी माननीय महोदय, 115 भारत में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की बात हो रही है, जैसे आपने रूरल इकोनॉमी की बात करी, और उसमें से 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में से 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हमारे उत्तर प्रदेश में है। माननीय महोदय, शहर को पूछ रहा है,
मुन्ना राणा साहब की बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, मैं दोहरा देता हूं। ऐसा क्यों लगता है जैसे खत्म ये मेला हो गया, ऐसा क्यों लगता है जैसे खत्म ये मेला हो गया, उड़ गई चिड़िया घर से, आंगन अकेला हो गया, आंगन अकेला हो चुका है, शहर सुनसुना सुनसान हो चुका है मान्यवर महोदय। लेकिन आज भी हमारे प्रवासी मजदूर पूछते हैं, वो खुशी ही क्या जो होठों पे आ जाए, वो गम ही क्या जो आंसुओं में बह जाए, वो खुशी ही क्या जो होठों में आ जाए, वो गम ही क्या जो आंसुओं में बह जाए। अरे कभी तो समझो हमारी खामोशी को, क्योंकि वो बात ही क्या जो लफ्ज आसानी से कह जाए, आसानी से कह जाए। प्रवासी मजदूरों ने सर वो प्रश्न हड़ताल नहीं करते, वे सिर्फ अपना बोरिया बिस्तर उठा के प्रवासी मजदूर प्रवास कर लेते हैं शहर से अपने गृह जनपद, सवाल नहीं पूछते। सर अगला प्रश्न इसी क्रमांक में है कि अब रूरल इकोनॉमी की आपने बात करी सर, कुछ चीजें क्या हम प्लास्टिक से रोड, जैसे पर्यावरण को, जैसे आपने बताया कि अभी भारत सरकार ने अतिरिक्त 40,000 करोड़ मनरेगा में दिया है, 60,000 करोड़ 61,000 करोड़ का बजट ऑलरेडी था और आपने काम भी अच्छा किया है। दूसरी बात, उसमें 182 रुपए से 2,202 रुपए भी उन्होंने कर दिया है, यह भी अच्छी बात है। वन नेशन वन राशन कार्ड जो कि 31 मई 2020 तक लागू होगा, ये भी अच्छी चीज है। लेकिन इसमें बहुत देर हो गई सर, इतना कि कोई प्रवासी मजदूर अगर दूसरे राज्यों में है तो वो वहां राशन कार्ड नहीं है तो नहीं ले पाया। सवाल सर इसका समावेश यह है कि सर रूरल इकोनॉमी में किस प्रकार से हम देख रहे हैं कि उनका पालन पोषण हो सके, क्योंकि बहुत जल्दी निकट भविष्य में ये प्रवासी मजदूर अब नहीं आएंगे शहर में और अर्थव्यवस्था शहरों की जैसे आपने बताया उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो जैसे एक नए कॉन्सेप्ट आत्मनिर्भर की बात करें, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में, इथेनॉल के बारे में, जो गन्ना है उत्तर प्रदेश में, गन्ना विश्व में ब्राजील के बाद सबसे दूसरे नंबर पे उसका उत्पादक है, 121 शुगर केन की मिल्स हैं, क्या हम इसको उपयोग करके प्लास्टिक की रोड्स बना के अगरबत्तियों से जो फ्लावर्स यूज होते हैं हमारे जो मंदिरों में उससे हम अगरबत्ती बना के, ये जो कुटीर उद्योग है, गृह उद्योग है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है, इसको किस प्रकार से शासन प्रशासन देख रहा है कि अगर उसको हम बढ़ा के आत्मनिर्भर भारत बनाकर इनको हम रोजगार सृजन कर सकें। ओचियो माननीय महोदय, इसकी स्कीम महिलाओं के समूह के माध्यम से नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ऑलरेडी इस पर काम कर रहा है। मैं डीएम आजमगढ़ से पहले आयुक्त तो ग्राम्य विकास था और एक साल में हमने 17 लाख महिलाओं को प्रदेश के उस योजना से जोड़ा था और 39 जिलों के लगभग 200 ब्लॉक में न्यूनतम 200 महिलाओं को इस तरह के स्वरोजगार के प्रोड्यूसर ग्रुप से जोड़ा था। काशी विश्वनाथ टेम्पल का लड्डू भी महिलाओं की समूह बनाने लगी है, जो सबसे अधिक प्रधानमंत्री जाते हैं तो महिलाओं के लड्डू ही मंगाते हैं प्रसाद। वहां पर दिए और बाती काशी विश्वनाथ टेम्पल में वहीं से आता है। विंध्याचल पर जो फूल चढ़ते हैं, सड़ जाते थे फूल, फेंक देते थे, गंदगी होती थी, वहीं के समूहों को हमने 2018 में प्रेरित किया और 100 महिलाओं के समूह उस फूल को फ्री लेके उसे अगरबत्ती बनाने लगे और विंध्यवासिनी माँ के शीश पर चढ़े हुए फूल की अगरबत्ती के नाम से एक मार्केटिंग होने लगी और वो अमेरिका और यूरोप के NRI भी उसकी बुकिंग मांगते। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है और मैंने जब अध्ययन किया था केरला का, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का, तो वहां पर जो रूरल इकोनॉमी इसलिए आगे बढ़ी है, स्पेशली मैं केरला की चर्चा करूंगा कि जहां पर महिलाओं के समूह ने गांव गांव में इस तरह से स्थानीय उत्पादों का निर्माण किया जो स्थानीय उपभोक्ता को जरूरत है। ये परंपरा हमें देश के प्रत्येक हिस्से में शुरू करना होगा। गवर्नमेंट स्कीम है लेकिन अभी हमारे जो युवक है वो उसी लेबर के लिए सम्मान का भाव न होने के कारण, सामंतवाद होने के कारण गांव में मेहनत करने को बेइज्जती मानते हैं और शहर में जाके कोई भी काम मेहनत का करने में वो समझते हैं कि गांव में लोग देख तो नहीं रहे कि हम क्या काम कर रहे हैं। अब इस महामारी ने उनको उस शर्म से बाहर निकाला। मैं इसलिए कह सकता हूं कि जितने लोग अभी 20 दिन पहले आए थे श्रमिक हमारे, उसमें से लगभग 18,000 श्रमिक फावड़ा लेकर के चला रहे हैं, जो कि शहरों में बातें भले ही 8,000 ही थे लेकिन वो कंपनी में बैठ के कमरे में काम कर रहे थे। उन्होंने कहना शुरू किया, साहब उसी खेत की मिट्टी से तो हम गए थे, अब हमें चेतना खुल गई है कि हम श्रम को महत्व देके अपने गांव में ही रहेंगे।
इसलिए एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए जो भारत सरकार की इम्फेसिस है, प्रदेश सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की इम्फेसिस है, हम लोग भी इम्फेसिस दे रहे हैं कि एक जिले में जितने तरह के उपभोक्ता सामान हम प्रयोग करते हैं, जैसे आजमगढ़ को ले लें, 60 लाख आबादी है, 60 लाख उपभोक्ता किन किन सामानों का प्रयोग करता है उसकी हमने लिस्टिंग कराई अपने जन, उसमें से कितने मल्टीनेशनल के हैं, कितने इंडियन बिग के हैं, कितने लोकल, लोकल प्रोडक्ट उसमें से less than 1%। हमने अधिकारियों की एक टीम बना के उनसे कहा कि अब हमें इनकी ट्रेनिंग देनी होगी, जो युवक श्रमिक बाहर से आए हैं उनके प्रोड्यूसर ग्रुप बनाने होंगे, उनको फोकस्ड प्रोडक्शन क्वालिटी कंट्रोल और फॉरवर्ड मार्केट लिंकेज से उनको एक बेसिक ट्रेनिंग देनी होगी, जिससे कि कम से कम अगर वो यही प्रोडक्ट बना के यही के कंज्यूमर को इंगेज कर ले तो एक बेसिक उन्हें इनकम यहाँ पर होने लगेगी। और मुझे लगता है इसके अलावा और दूसरा कोई विकल्प गांव में जोड़ने का है नहीं। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने परसों एक बीसी किया था और उन्होंने कहा कि जो महिलाओं के समूह हैं उनको हम 10 लाख रुपए तक के ऋण, 1 लाख साख से 10 लाख तक उन्होंने बढ़ा दी क्रेडिट लिमिट, और उनको हम ये छोटे छोटे चीजें जैसा आप बता रहे थे, अगरबत्ती, अचार, मुरब्बे, कपड़े बच्चों के, जूते, हवाई चप्पल, इस तरह के रंग, पेंसिल, किताबें, कापियां, पत्ते, बर्तन, नॉन प्लास्टिक, इस तरह की चीजों पर, जैसे मैंने अभी एक मुसहर वनवासियों का समूह 6 महीने पहले एक महिलाओं को जीरो इनकम की थी, मैंने 100 महिलाओं को पत्तल बनाना एक मशीन दे करके 2.5 लाख की उनको उसी स्कीम के तहत जोड़ा और झाड़ू बनाना। तो हमारी जितनी भी नगर पालिका है, नगर पंचायत है, अब उन्हीं महिलाओं के समूह की झाड़ू लेती और पत्तल भी नॉन प्लास्टिक उन्हीं से लोग लेते हैं। अब वो जहाँ जीरो इनकम पर थी वो आज 100 महिलाएं 3 से 4 हजार रुपए महीने कमाने लगी। ये जो हमारा एक्सटेंड करने की जरूरत होगी हमें इस तरह की एक्टिविटीज को, जो बड़ी कंपनियों में सामान्य उपभोक्ता सामानों के लिए और देखने की बजाय, चाइना की ओर देखने की बजाय, हम अपने हुनर, अपने रॉ मटेरियल, अपने उत्पाद की गुणवत्ता परख पर जोर देने और युवकों को समूह बनाकर उनको क्रेडिट लिंकेज से जोड़ने की अगर कोशिश करेंगे, इससे हम निदान पाएंगे और दूसरा कोई विकल्प नहीं मिलेगा। सर, कभी रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था कि भारत है भावना दाह जग जीवन का हरने की, भारत है कल्पना मनुज को राग मुक्त करने की, जहां कहीं एकता अखंडित, जहां प्रेम का स्वर है, देश देश में वहां खड़ा भारत जीवित भास्वर है, भारत वहां जहां जीवन साधना नहीं है भ्रम में, धाराओं को समाधान है मिला हुआ संगम में। और निश्चित रूप से COVID-19 के केस में भारत ने जिस प्रकार आगे बढ़ करके विश्व का नेतृत्व किया है, वह हमें उसी ज्ञान के जो शीर्ष पर जो भारत कभी था उसकी हमें याद दिलाता है। और हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि भारत ने संपूर्ण विश्व को हमेशा ज्ञान का प्रचार किया है, प्रेम का प्रसार किया है। यह कागजी स्तर पर तो बहुत है, लेकिन सर मेरा एक प्रश्न है जो कि हमेशा से मेरे मन में है, ये एक जेनरिक प्रश्न है जो कि COVID-19 के केस में भी पूरी तरीके से जागृत है, कि उस स्थिति तक दोबारा पहुंचने के लिए या हम विश्व का नेतृत्व कर सकें, इसके लिए न केवल राजनीतिक बल्कि प्रशासनिक और जनता के स्तर पर भी किस प्रकार का प्रयास होना चाहिए। इसमें शिक्षा व्यवस्था की भी मैं बात पूछना चाहता हूँ आपसे। बड़ा नेचुरल है कि हमें COVID-19 ने हमें आत्ममंथन का मौका दिया है और ये मौका दिया है कि हमें अपने हेल्थ के जो प्रोटोकॉल है या उसकी जो स्टडीज है उसको रिविजिट करने, हमें अपने आयुर्वेद के, नेचुरोपैथी के, योग के, प्राणायाम के, पतंजलि के उस दर्शन के, जिसमें योग में अगर देखेंगे तो उन्होंने जो कुछ भी कहा है, अष्टांग की बात की है, या जो अन्य हमारी जीवन पद्धतियों में आचरण की शुचिता की बात है, वो सारी चीजें अगर आप HIV में देखें चाहे आप कोविड में देखें, अगर वो आचरण हमारा होता तो हम इससे स्वतः किसी वैक्सीन के लिए तलाशते ही नहीं, ना हमें इससे कोई चिंता होती।
लेकिन शिक्षा के सेक्टर में और हेल्थ के सेक्टर में तो जाहिर है कि हमें बहुत काम करने की जरूरत है इस देश को। और अभी शिक्षा की पद्धतियों में इतना बड़ा अंतराल है कि जहाँ एक और गांव और आदिवासियों के बच्चे प्राथमिक शिक्षा के से वंचित हैं, गुणवत्ता तो बहुत दूर की बात है, वही एक वर्ग ऐसा है इस देश का उन बच्चों का जहाँ बहुत ही क्वालिटेटिव एजुकेशन प्राप्त करता है, और दोनों के शिक्षा के में बहुत बड़ा गैप, बहुत बड़ा अंतराल है। जब तक कि पूरी इस देश की जनसंख्या अगर एक यूनिफॉर्म सिलेबस से नहीं जुड़ेगी, जब तक एक पाठ्यक्रम शुरू से लेकर अंत तक नहीं होगा और बेसिक फैसिलिटीज नहीं होंगी, तब तक हम मानव संसाधन ही अच्छे विकसित नहीं कर पाएंगे। और कोविड 19 ने एक बहुत बड़ी बहस शुरू कर दिया है कि अगर पृथ्वी पर आपको रहना है तो पृथ्वी पर आपको मानव घनत्व भी घटाना है। अगर आप, इसका मतलब है कि जनसंख्या भी घटानी है। अगर आप ये सोचें कि जनसंख्या को अनियंत्रित छोड़ देंगे तो फिजिकल डिस्टेंस कहाँ। आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घरों में 2 कमरे हैं और 15 लोग हैं बच्चे सहित। अब उनको फिजिकल डिस्टेंस का कोई भी फार्मूला समझाइए तो कौन सा फार्मूला वहां लागू हो। या जहां पर इतनी क्राउडेड है, बस्तियां हैं, झुग्गी झोपड़ियां हैं, अगर नोएडा की झुग्गी झोपड़ियों की मैं कल्पना इतने दूर से करता हूँ, जो झुग्गी झोपड़ियां हमारे सेक्टर 8, 9, 7 की हैं, 10, 11 की, वहां पर आप किसी को कुछ भी समझाते रहो फिजिकल डिस्टेंस, अगर वहां से निकल के गांव वापस नहीं आए होंगे तो कौन सा फिजिकल डिस्टेंस वहां फॉलो कर पाएंगे। इतना सकरा है, इतना ह्यूमन डेंसिटी ज्यादा है। इसलिए हमें शिक्षा और स्वास्थ्य में प्राचीन मान्यताओं के साथ साथ आधुनिक जो हेल्थ के जो प्रोटोकॉल हैं उसके साथ जुड़ दें, और शिक्षा को सर्वांगीण रूप से समझने की जरूरत है। मात्र टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन नहीं, इथिक्स और टेक्नोलॉजी और लीगल इथिक्स, तीनों के बीच में एक समन्वित शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग हैं, दे बहुत बड़े टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, बट इथिक्स के मामले में और लीगल इथिक्स के मामले में शून्य, तो अच्छे मनुष्य नहीं हो सकते। अगर आप इन्वायरमेंटल कंसर्न नहीं है आपके पास, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न नहीं है, तो आप कितने भी विद्वान हैं मनुष्य होने लायक नहीं है। तो शिक्षा को एक सर्वांगीण समवेत रूप में, हेल्थ को, हेल्थ इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ को मलक सेक्टर की बजाय हमेशा कहते हैं कि हेल्थ इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, क्योंकि हेल्थ सिर्फ दवा और मेडिसिन नहीं है, हेल्थ उसका हेल्थ मैनेजमेंट भी है, अपने बायोलॉजिकल मास का प्रबंधन भी सबसे महत्वपूर्ण है। कोविड 19 ने बता दिया कि दवा के पीछे क्यों भागते हो, तुम अपना प्रबंधन इस तरह करो, बायोलॉजिकल इम्यूनिटी बढ़ाओ और अपने आचरण को इस तरह कर लो तो तमाम वायरस रोग से अपनी निजात पा सकते हो। तो ये भी तो एक शिक्षा का बहुत बड़ा हिस्सा है, इसमें सुधार की जरूरत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय, और निसंदेह मैं एक बात रखना चाहूंगा कि आपने दिल की बात आज अपने मुख द्वार से कह दी। और अगला प्रश्न मेरा ये होने ही वाला था आपसे आदरणीय डीएम साहब कि सर, जनसंख्या पे आपने बात करी, कई मंत्रियों का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कई पदाधिकारी से, आईएएस अधिकारियों से, यहाँ तक कि ईरा सिंगल जी से भी मैंने बात करी, प्रधान सेवक जी के भाई आदरणीय प्रहलाद मोदी साहब से भी बात करी, लेकिन सर कोई खुलकर इस पर बात नहीं करता। क्या कारण है कि सर सरकार कितने हाईवेज बनाएगी, सरकार कितने लोगों को रोजगार सृजन देगी, कितने लोगों की स्वास्थ्य सेवा देगी, कितने लोगों को एजुकेशन देगी, एक सीमा है हर चीज की सर, हमें इस पर अब सोचना होगा गंभीरता से। और सर अब सही समय आ गया है, आप भौतिक के छात्र भी रहे हैं सर, आई एम ऑल्सो अ साइंस स्टूडेंट, न्यूटन का तीसरा लॉ भी है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एनर्जी कैन नॉट बी फॉर्म्ड एंड इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सर अब समय बिल्कुल सटीक है, साफ सटीक स्पष्ट संपूर्ण रूप से, अब ये हर जगह कहा जा रहा है कि सर अगर जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं किया गया तो आपके शब्द जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, बिल्कुल सटीक शब्द है, सोशल डिस्टेंसिंग की जगह फिजिकल डिस्टेंसिंग इज द करेक्ट वर्ड, आइडियली इट शुड बी, इस पर हमें काम करना होगा सर। ना किसी राबर ना किसी रहगुजर से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा तो हम ही से निकलेगा, ना किसी राबर ना किसी रहगुजर से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा तो हम ही से निकलेगा, इसी गली में ये बूढ़ा फकीर गाता है, तलाश तो कीजिए खजाना यहीं से निकलेगा। आदरणीय डीएम साहब आपने महिलाओं की बात करी जिनको कि आपने कुछ रोजगार सृजन के बारे में बताया, सर एक छोटा सा सजेशन जहन में आ रहा है, हमारे विद्यालयों में उत्तर प्रदेश में ही बच्चों को स्कूल में सॉक्स कॉपी ये सब दिया जाता है सर,
हमारे एक जगह हमने पढ़ा था सर कि गोबर से भी आप कॉपियां बना सकते हैं, पेंसिल्स बना सकते हैं, वेडिंग इनविटेशन कार्ड्स आप बना सकते हैं। इसकी पद्धति अगर हम उसको शुरू कर दें सर, तो हम आत्मनिर्भर की ओर बढ़ सकते हैं। कितने ही विद्यालय, प्राइमरी स्कूल हो, सेकेंडरी स्कूल हो, और यहां तक कि केंद्रीय विद्यालय 1200 हैं, नवोदय 600 हैं पूरे भारतवर्ष में, उसमें भी अगर हम गोबर से बनाना शुरू करें तो ये आत्मनिर्भर की ओर हमारा एक साफ, सटीक, स्पष्ट कदम होगा। तो इस पर भी सर अब शासन को, प्रशासन को अब यूनिक आइडियाज के थ्रू हमको बढ़ना होगा। इतिहास के पन्नों में जब एबीसीडी अब लिखी जाएगी तो सर ए से ऑटोमेशन, बी से ब्लॉकचेन, सी से क्लाउड कंप्यूटिंग और डी से डेटा एनालिटिक्स, जहां पे मैं हर बार फोकस करता हूं कि डेटा एनालिटिक्स पर। अब वो एबीसीडी, ए फॉर एप्पल नहीं होगा सर, अब हमें यूनिक चीज पर बढ़ना ही होगा। जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध है हमें अंदर देखना होगा हमें कहाँ चीजें हैं। तो इस पर शासन प्रशासन की निगाह पड़ती है, और सर किस प्रकार से इसको आगे लेके जाएंगे सर आप हमें बताएं, क्योंकि आप साहित्य से भी जुड़े हैं। आपने अपने जिला में एक साक्षात्कार में देख रहा था, आप मुशायरे में गए थे, आपने वहां कही बात कही थी कि आपने साहित्य परिषद की गठन का गठन भी किया है और अपनी व्यक्तिगत आय से आपने उसका गठन किया है, ये बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार की चीजें अगर और भी अधिकारी आपके जैसे करें और ये शासन करें तो ये बहुत अच्छी चीज हो सकती है। गोवा की महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्री मृदुला सिन्हा ने भी कहा है कि साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है। तो सर जो चीजें, संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, अब हमें देखना होगा इसके अंदर सर, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि श्रद्धा जान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता को स्थान देती है। ओवर टू यू डीएम साहब। बहुत ही नेचुरल है, प्रकृति के जितने घटक हैं वो रिसाइकिल होते हैं और उसी से रिजुवेनेट और रिजेनरेट होते रहते हैं। जितने भी फॉसिल्स हैं या जो भी खनिज संपदाएं हैं वो भी प्रकृति के घटकों के परस्पर निर्माण की पद्धति से ही पैदा हुए। मनुष्य ने स्वयं को जो एक ओनर ऑफ द प्लेनेट समझ लिया, वहीं से खतरा आ गया। अगर मनुष्य समझे कि हम भी प्रकृति के अन्य घटकों की तरह घटक हैं, हम भी एक बायोलॉजिकल मास है, तो ये सारी चीजों के बारे में कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होगा और अनावश्यक हम प्लास्टिक युग की ओर नहीं बढ़े होते, बल्कि प्रकृति के ही घटकों के मध्य से ऐसी चीजों के ही साथ जुड़ते जो रिसाइकिल हो सकती थी। आपने जो बातें कही हैं, जाहिर है कि हमें एक चिंतन की ओर कोविड-19 ने मोड़ा है कि अब हम किसी भी उपयोग के लिए किसी वस्तु का अगर निर्माण करते हैं तो हमें जो तथाकथित प्रकृति के में कोई चीज वेस्ट नहीं होती, कोई चीज निष्प्रयोज्य नहीं होती, उसके प्रयोजन को तलाशना होगा, उसको रिसाइकिल करना होगा और ऐसी चीज का निर्माण करना चाहिए जिससे कि हम रिसाइकिल कर सकें, ताकि हमारा नेचर इकोलॉजी भी बैलेंस रहे और हमेशा सतत पीढ़ी दर पीढ़ी उसके रिसाइकिल की संभावनाएं बनती रहे और जिंदगा भी रहे और मानव जीवन का अस्तित्व भी निरंतरता में बना रहे। ये सरकारें भी इस दिशा में सोच रही हैं, लेकिन सरकार कोई बाहरी चीज नहीं होती, वो हमेशा सरकारें जो भी होती हैं वो जनता के मध्य से ही उठती हैं, जनता के चिंतन का ही हिस्सा होती हैं, जनता की जो बातें होती हैं, जनता के मध्य से जो आवाज होती है उसी का एक दबाव होता है, जो कि सिद्धांत रूप है कि डेमोक्रेसी रन्स थ्रू प्रेशर ग्रुप्स, जो सामूहिक दबाव समूह होते हैं समाज के अंदर के, उन्हीं के चिंतन और उन्हीं की मांग और उन्हीं के आधार पर ही लोकतंत्र के सामूहिक तथ्य का निर्माण होता है। इसलिए जनता में जिस तरह की बयार बहती है, जिस तरह का चिंतन होता है, उसका रिफ्लेक्शन जाहिर है कि सरकार पर भी पड़ता है, गवर्नेंस की पब्लिक पॉलिसी पर पड़ता है। और कोविड-19 से जो एक जनरेट हुई चेतना, अगर अस्थाई चेतना हो जाए प्रकृति के साथ जुड़ाव का, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ट्रांसफॉर्मेशन का, और नेचुरल चीजों से रिसाइकिल करके न्यूनतम उपभोक्ता वस्तुओं पर जीवन जीने की आचरण की विकसित होने का, प्राचीन ग्रंथों से लेके आज तक जो आचरण की ऐसी पद्धतियां जो हमें संक्रमण से दूर रख सके, जीवन में शुचिता ला सके, इन सब चीजों के बारे में जुड़ाव का अगर ये चेतना स्थायी चेतना हो जाएगी तो ये हमारी कोविड-19 को ऐसी महामारी नहीं है जिससे कि हम बहुत आसानी से पार न पाए। माननीय महोदय, आपने सही बात कही, लेकिन सर अब इसको क्षमा चाहूंगा कि सर अब हमें इसको क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है। माननीय महोदय,
चिंतन मनन अध्ययन तो होना ही चाहिए, लेकिन सर अब यथाशीघ्र इस पर क्रियान्वयन होना चाहिए, पॉलिसीज बननी चाहिए, क्योंकि सर बहुत देर हो जाएगी अगर अब भी हम लोग नहीं कर पाए। 73 वर्ष सर कम नहीं होते हैं। तुम बता रहा हूँ पॉलिसीज हैं, लेकिन उस पब्लिक पॉलिसी को हमने महत्व कम दिया, इसलिए महत्व कम दिया कि उसकी आवश्यकता नहीं समझ में। अब COVID-19 ने जब झकझोरा है तो हमें याद आएगा कि जैसे आपने सिंगापुर के पेड़ों की बात की लगाने की, इस देश में भी बार बार कहा गया कि आप स्मृति वन लगाओ, बर्थडे पर पेड़ लगाओ, ठीक है उसको मूल्यांकन से भले नहीं जोड़ा, लेकिन लगातार शासनादेशों के माध्यम से तमाम गाँव में जगहें गांव सभा की उपलब्ध कराई जाती हैं कि अपने अपने दादा के स्मृति में अपनी शादी के सालगिरह पर पेड़ लगाओ, उसकी रक्षा करो। लेकिन लोग जब तक आवश्यकता तत्काल नहीं समझ में आती है, उसकी चेतना को झकझोरती नहीं कोई आपदा, तब तक मानव मन में उसके प्रति प्रतिबद्धता का बोध नहीं होता। अब मुझे लगता है कि शायद ये बोध और गहरा है, कौन नहीं जानता था, या कि पब्लिक पॉलिसी नहीं कि हाथ धुल के खाना चाहिए, क्या जनरल पॉलिसी नहीं है कि दूर से प्रणाम करना चाहिए, जनरल पॉलिसी तो थी, हमारी बिहेवियरल पॉलिसी का हिस्सा था, लोग भूल गए थे। एक जनरल पॉलिसी थी कि लोग गमछा लेके चलते थे, कोई जरूरत होती थी, कहीं आवश्यकता पड़ती थी, दुर्गंध होती थी, कहीं गंदगी होती थी तो नाक पर ऐसे मुंह पर डाल लेते थे, ये परंपराएं तो पहले भी थी, लेकिन चूंकि आवश्यकता नहीं पड़ी लोगों की आदत खराब हो गई, सूरज की धूप से एक्सपोजर की इच्छा ही खत्म हो गई, सूरज से परहेज होने लगा, गांव की मिट्टी और गोबर से परहेज होने लगा, तो ऐसे परहेज होने को हमने सभ्यता के आधुनिक मानदंड मान लिए। अब ये जब COVID-19 झकझोरेगा तो शायद हम एक नई चेतना की ओर बढ़ेंगे और हमारी बिहेवियरल जो पैटर्न है और जो पब्लिक पॉलिसीज उसके साथ हमारा एक बेहतर एंगेजमेंट होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय। और सर अंतिम में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि रमजान का पाक महीना भी है, तो हम चाहेंगे सर एक संदेश आप अगर दे दें तो किस प्रकार से रमजान में, मुझे मालूम है कि सर आप अपने इसकी तकरीर भी करते हैं और बहुत अच्छे संदेश भी देते हैं इसके बारे में, तो एक अगर संदेश दे दें सर आने वाले रमजान के, कि किस प्रकार से ईद उल फितर में फिजिकल डिस्टेंसिंग को बनाते हुए, तो बहुत बेहतरीन रहेगा हमारे। देखिए जो इस्लाम है, जो भी हमारे बंधुत्व को बढ़ावा देना उसका मूल मंत्र रहा है और उसके मौलिक इस आधार पर उसका उदय भी हुआ कि हमको इबादत के लिए किसी स्थल की जरूरत नहीं, हम खुदा की इबादत कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, कहीं से कर सकते हैं। यह जो हमारे भारतीय संस्कृति की उपनिषदों की मान्यता थी, ये कुरान की मौलिक सेंट्रल थॉट प्रोसेस है कि इसी इबादत के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं, किसी स्थल की जरूरत नहीं, किसी रिचुअल की जरूरत नहीं, खुदा को जब चाहो जैसे चाहो उसको नमाज अता कर सकते हो, उसको इबादत कर सकते हो। और उसी तरह उसका सबसे बड़ा मूल मंत्र है जकात, रोजे, नमाज और जकात। तो जकात अपने गरीब मजलूमों की को ध्यान रखना, जाहिर है बहुत सारे लोग अपने मूल वतन को वापस आ रहे हैं परेशान होकर के शहरों से, या आसपास परेशान हैं, उनकी अगर हम मदद करें, मजलूमों की अगर जरूरतमंदों की मदद करें, तो उससे बड़ी कोई ज़कात नहीं होगी। और खुदा को इबादत करें, जान है तो जहान है, और कोई भी धर्म की मान्यता तभी हो सकती है जब हम जीवित हों, इसलिए सबसे बहुत ही अदब के साथ वो दबाना मैं गुजारिश करूंगा सबसे कि अपने घरों में ही ईद मनाएं और भौतिक दूरी का ध्यान रखें, मास्क जरूर लगाएं, इबादत घरों के अंदर करें, और अगर दुकानें ना खुली हैं या वहां पर भीड़ हो रही है तो पुराने कपड़ों को ही साफ करके उस लिबास से भी ईद मनाएं। कुरान में कहीं भी मनाही नहीं है, कुरान में तो खुदा की इबादत करने के लिए हर क्षण, हर दरवाजे, हर स्थल खुदा के हैं, इस रूप में मौजूद हैं, यही मैं अपील करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते माननीय महोदय जी, मैं समझ रहा हूँ कि समय बहुत हो गया है, कि अंतिम में सर हम सब गौतम बुद्ध नगर के निवासीगण और हमारे तमाम दर्शकों से डिमांड आ रही है कि सर एक कविता जो आप हर बार कहते हैं और सुनाते हैं, जो दिल के पर्सनली मेरे बहुत करीब है, तो अगर एक बार दोहरा दें माननीय महोदय, हमारा बहुत बहुत धन्यवाद होगा सर। एक बार
देखिए, मैं श्रमिकों की पीड़ा इस समय सबसे अधिक मुझे दिखाई पड़ रही है, विस्थापित व्यक्ति की पीड़ा। इसलिए मैं श्रमिक पर, मेरी कविता है, पता नहीं आपने सुनी है कि नहीं सुनी है, तो उसको मैं उसको कहना चाहूंगा कि श्रमिकों को के आधार पर लोग साहित्यकार हो जाते हैं, संसद में चले जाते हैं, समाज सेवी हो जाते हैं, लेकिन श्रमिक वही का वही बेचारा किसी अवतारी महामानव की प्रतीक्षा में रत एक लघु मानव की तरह रहता है। 5 मिनट की कविता है जी। तमाम अभिजात्य पहचान का मूल स्वयं स्वाधीन अस्मिता को तड़पता, लघु और महामानव की वीथियों में उलझता, भाव शून्य हो सकता कौन हूं मैं, प्रश्न करता है श्रमिक को। उलझी बौद्धिक परिभाषाओं, प्रमेयों, शाब्दिक जाल को निरीह बन निहारता, अपनी परिभाषा को तपता कौन हूं मैं। संसद के गलियारों की खोखली दहाड़ में तलाशता अपना निरर्थक अभीष्ट, खोई निजता के रक्त से राजनीतिक पिपासा का अविराम सिंचन कौन हूं मैं। चिंतकों के बौद्धिक एहसास की कारा में बंद, तंत्र की मकड़ जाल में पिसता, संगोष्ठियों में पाता नकारा सहानुभूत, मनोरंजक मानसिक जुगाली का प्याला कौन हो। व्यवस्था परिवर्तन के फलस्फों की गूंज, सत्याग्रहों का मूल, सशस्त्र क्रांतियों का त्राशद शूल, कुकुर मुत्ते की तरह उभरते उदारवादी संगठनों की नपुंसक आस्था कौन हूं। फिर उत्तर देता है, हूं दार्शनिकों का दर्शन, साहित्यकर्मियों की अंतर्वस्त्र, नक्सलियों का उर्वरक हूं, नितांत स्वयं सेवा हूं स्वयं सेवियों की, नियोक्ता पूंजीपतियों का काम चोर आवारा हूं, नौकर शाहों के संवेदनहीन कटीले दंश को सहता अशक्त बेसहारा हूं, बुद्धिजीवियों का बौद्धिक सहारा हूं, हूं समाज सेवियों का बेचारा, राजनीतिकों का सहज सुलभ चारा हूं, कोरे आंसुओं के छलावे में निज को भुलाता, परिवर्तन की तड़पन से दूर गीता के किसी अवतारी महामानव की प्रतीक्षा में डूबा, सर्पिल मानव की मानवतावादी गुंजलक में उलझा, वही चिरस्थाई अंतहीन यातना का सहज भोक्ता, आपका ही पीड़ित निर्मित लघु मानव, हाँ अदना सा श्रमिक हो। ये बैतुल मैंने श्रमिकों की पीड़ा पर कभी लिखी थी, आज मुझे विस्तार में साक्षात दिखाई पड़ती है। वो श्रमिक आंदोलन भी नहीं कर सकता, वो श्रमिक परिवर्तन के लिए किसी और की ओर देख रहा है, अपनी रोजी रोटी के लिए किसी और की ओर देख रहा है। 10 करोड़ विस्थापित लोग पलायन कर रहे हैं और इतनी सहजता से अपने पैरों पर विश्वास करते हुए, बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी धरने के, बिना किसी प्रदर्शन के, यह शांत स्वभाव से प्लवनशील पलायित श्रमिकों की पीड़ा पर केंद्रित मेरी कविता थी, जो अभी भी समाज उन्हें लघु मानव समझता है। जब तक उन्हें हम मानव नहीं समझेंगे, समाज के निर्माण में उनकी भूमिका को इज्जत नहीं देंगे, जब तक उन्हें हम औद्योगिक संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा नहीं मानेंगे, जब तक हम इलीट अभिजात हम इसलिए हैं कि हमारे पास नौकर चाकर हमें सुविधा देने के लिए है, अगर उस इलीट होने का एहसास जिनकी वजह से उनको सम्मान नहीं देंगे, तो श्रमिकों का दंश और पीड़ा अनवरत प्रवाहमान रहेगी और मानव सभ्यता हमें माफ नहीं कर पाएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डीएन साहब, आपने पुनः एक बार दिल जीत लिया और वाकई आपने अपनी पंक्तियों से कह दिया है कि 790 सांसद, 4120 विधायक और 454 विधान परिषद के सदस्यों तक ये हमारे प्रवासी मजदूर के चलते हुए पैरों के छाले अगर उन तक पहुंच जाएं तो बहुत कारगर साबित होगा कि अगर वो उनका संज्ञान लें, क्योंकि गांव गरीब किसान निर्धन निर्दल उपेक्षित उपाचित पीड़ित प्रताड़ित शोषित वंचित दलित और पिछड़े लोगों की बात करनी है और किस समुन्दर के आगे जाना है सिर्फ चांद तारों की बात करनी है और बाहरों के आगे जाना है तो सिर्फ किनारों की बात करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डीएम साहब और मैं अपेक्षा करूंगा कि आज इस चर्चा में जितने हमने सुझाव दिए एक बार आप पुनः उस पर रात को जब आप सोएंगे या जब भी आप समय मिलेगा आप उस पर एक बार पुनः सोचेंगे और
आगे इसको जरूर लेकर जाएंगे ऐसा हम अपेक्षा करते हैं, क्योंकि आप बहुत ही एफिशिएंट, वन ऑफ द एफिशिएंट ऑफिसर्स वी हैव इन आवर सिस्टम, ऐसा कई लोग और हमने व्यक्तिगत तौर पे आपसे अनुभव किया है। और जाते जाते चंद पंक्तियां आप तक फिर समर्पित करना चाहूंगा अदिनी डीएम साहब, मैं सुना के बताता हूँ, आप सुन के बताइएगा, कि इन सितारों को आंखों में महफूज रख लेना, इन सितारों को आंखों में महफूज रख लेना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, इन सितारों बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, अरे मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हैं आप भी, कहीं किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, और नोएडा पुनः आएंगे तो मेरे द्वारा गोद लिया हुआ पार्क, जो हमने इतनी बातें करी, अगर हम खुद इस पे स्वर उस पे कार्यवाही नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, तो मेरे द्वारा नोएडा प्राधिकरण के पार्क को गोद लिया हुआ मैं जरूर आपको दिखाऊंगा, और उसमें जो मैं मिर्च और टमाटर उगाए हैं वो जरूर आपको समर्पित करूंगा जी साहब। शुक्रिया जो लोग भी इस संवाद से जुड़े हैं, गौतम बुद्ध नगर के लोग, क्योंकि मैं कभी स्वयं को अतिथि न मान के वहाँ का नागरिक ही मानता हूँ, इसलिए मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और संवाद स्थापित करने का संप्रेषण का मौका मिला। 10 न्यूज को, मुख्यतः गजानन को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। अतुल दीपक, पुनः बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। Mali sahab, we can end this. We can take the control now. Sunita ji, you can